बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी यह सूचना नहीं है कि हेलीकॉप्टर सेवा क्यों रोकी गई है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था, कुछ इमरजेंसी होती थी तो भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था। और ये खबर आ गई है घने कोहरे की वजह से इस हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया है, वैष्णो देवी के लिए चॉपर सेवा बंद कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं। जी अजय, क्या अपडेट है आपके पास? घना कोहरा है, दिल्ली तक में बारिश हो रही है, हिमाचल और वहां का क्या हाल है? बिल्कुल, वैष्णो देवी की बात करें तो आपको बताऊं, कटरा से लेकर सांझे छत जो वैष्णो देवी गोपाल के बिल्कुल नजदीक है, वहां तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती थी उसे रोका गया है। और इसकी वजह वो बड़े साफ है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा घना कोहरा है और किसी भी तरह से प्रशासन जो खासतौर पर श्राइन बोर्ड है वो किस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि घने कोहरे की वजह से अगर वहां लैंडिंग पे दिक्कत होती है तो उन त्रिकुटा पर्वत के उन पहाड़ियों पे जो हेलीपैड है बड़ा एक छोटे से इलाके में बनाया गया है, अगर वो हेलीपैड पे अगर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाता है, लैंड नहीं कर पाता, उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके तहत एहतियातन जो है हेलीकॉप्टर बंद कर दी गई है, जिसके तहत जिसके चलते कहीं ना कहीं जो वैष्णो देवी जाने वाले यात्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।